वेलकम बैक टू द संदीप टॉय टीवी। मेरा नाम है संदीप फ्रेंड्स। यार आज की वीडियो में खतरनाक वाले टॉयज लेकर आया हूँ भाई साहब। ये है हमारा एक ग्रीन कलर का रॉक क्रॉलर भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉक क्रॉलर है भाई साहब। ये है हमारा एक कौन सी रेड कलर का रॉक क्रॉलर भाई, ये भी बहुत ही ज़्यादा पावर है भाई। ये है 1:18 स्केल का, ये है 1:16 स्केल का भाई साहब। अभी हम लोग फटाफट से अपने रॉक क्रॉलर्स को करने जा रहे हैं अनबॉक्स भाई साहब। मैंने जिसे इसको अनबॉक्स किया और देखो तो यार यहाँ से निकला हमारा ब्यूटीफुल सा रॉक क्रॉलर। इसको हमने पलटा के जब निकाला तो एक निकला ब्लैक कलर का, बहुत ही ज्यादा ओपी 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट, और भाई रिमोट के साथ में बैटरी और चार्जर मिला। 3.7 वोल्ट की बैटरी, 400 एमएच की बैटरी है भाई साहब। बहुत ही अच्छी लिथियम आयन बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिलती। रॉक क्रॉलर जो है चारों सस्पेंसर बहुत ही ज्यादा सस्पेंसिव होने के कारण भाई साहब देखो तो यार सस्पेंशन ने तो एकदम बिल्कुल जी ही ले गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सस्पेंशन इसके साथ में सिस्टम मिल जाता है भाई। रिमोट है ना काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहा है, पकड़ने में काफी ज्यादा रिफ्लेक्सिव भी लग रहा है भाई साहब। यहाँ से आता है हमारा दूसरा वाला रेड वाला रॉक क्रॉलर भाई। ये जो रॉक क्रॉलर है 4x4 नहीं है, ये 2x4 रॉक क्रॉलर है भाई। 1:16 स्केल में देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रॉक क्रॉलर। इसके साथ में जो रिमोट मिलता है 27 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का, इसके अंदर मिलती है एक चार्जिंग केबल और एक और लिथियम आयन बैटरी जो कि सेम एमएच और सेम वोल्ट की होने वाली है भाई साहब। ये जो था ना कुछ हमारे रॉक क्रॉलर्स की अनबॉक्सिंग के बारे में था। अभी मैं आप लोगों को इनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है भाई। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट में रेड वाला रॉक क्रॉलर है वो ग्रीन वाले रॉक क्रॉलर से बहुत ही ज़्यादा चीप लगता है, क्योंकि ग्रीन वाला रॉक क्रॉलर एकदम ओपी लगता है भाई साहब। इसके अंदर जो है ना एक एलईडी लाइट भी जलती है जो कि ओवरऑल इसके लुक को एकदम ओपी बना देती है, और हमारे रेड रॉक क्रॉलर में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है भाई साहब। बात करें इनके बैक की तो भाई बैक से हमारे रॉक क्रॉलर रेड वाले और ये जो अपना ग्रीन वाला है जिसमें मेरे को ग्रीन वाला इसमें लुक में भी जीत चुका है भाई। व्हील्स की बात करें तो दोनों के व्हील्स एकदम बराबर हैं, और इसमें अलॉय व्हील जो प्लास्टिक है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है दोनों में ही। और यार गाइस अभी देखो इनके व्हील्स की बात करते हैं। अलॉय व्हील्स का इसमें यूज़ किया गया है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा रबरी होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ग्रीन वाले के टायर्स कुछ ज़्यादा हार्ड लगे, और सस्पेंशंस तो मैंने आपको बताया दोनों के एक नंबर है भाई साहब। तो आप इन दोनों में सस्पेंशन के मामले में कंपेरिजन नहीं कर सकते, बाकी गियर क्वालिटी एक नंबर है भाई। ये जो है ना 2x4 होने के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड तो नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही पावर आ सकती है भाई। ओवरऑल लुक हमारा ग्रीन वाले रॉक क्रॉलर का एक नंबर लगता है भाई। मुझे ग्रीन वाला रॉक क्रॉलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको अगर इन दोनों में से खरीदना तो आप कौन सा खरीदेंगे अभी के अभी बताओ। चलिए गाइस अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। ये जो है ना हमारा रॉक क्रॉलर है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ग्रीन वाला लेफ्ट राइट आगे पीछे काफ़ी अच्छे तरीके से होता है भाई। अभी आप लोगों को इस वीडियो पे चाहिए शॉर्ट आउट, तो इस वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा कमेंट छोड़ देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगली वीडियो में मिलेगा आप लोगों को शॉर्ट आउट। राइट गाइस तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बीच में टेस्टिंग, और बहुत ही खतरनाक वाली टेस्टिंग होने वाली। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। सबसे पहले हमने देखो इनके पीछे लगा दी है बग्गी, एक ट्रक है मिलिट्री वाला, दूसरा मिलिट्री ट्रक, और तीसरा भाई साहब देखो तो हमारा 4x2 रेड वाला रॉक क्रॉलर बहुत ही गजब तरीके से हमारे इस ट्रक को, आर्मी ट्रक को, मिलिट्री ट्रक को खींच कर ले जा रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अभी कराते अपने 4x4 रॉक क्रॉलर से इसकी फाइट। देखिए गाइस यहाँ पर हमारे जो 4x4 रॉक क्रॉलर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, और मिलिट्री टैंक को बड़ी ही आसानी से खींच कर ले जा पा रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए गाइस अभी थोड़ा सा वेट टेस्ट कराते हैं। ये है 2.5 किलो की ईंट, 2.5 केजी की ईंट को अभी रॉक क्रॉलर की बग्गी के ऊपर रखेंगे। एक और 2.5 केजी की ईंट में लेकर आ चुका हूँ, तो 2 ईंट टोटल हो चुकी हैं। एक एक के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि ये कितना वेट कैरी कर सकते हैं। आप लोगों को यदि ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, वहाँ से आप मुझसे भी खरीद सकते हो और अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो। तो यार गाइस देखो यहाँ पर हमने ना फटाफट से अपने रेड वाले रॉक क्रॉलर से इस बग्गी को कनेक्ट किया जिसमें खूब सारा वेट रखा हुआ है। भाई साहब देखो तो यार सुपर टॉर्क पावर लगा रहा है, इसके बाद पर भी हमारा रॉक क्रॉलर इसे नहीं खींच पा रहा है, क्या ही बात है गाइज। लेकिन यार पावर तो फुल लगा रहा है। अभी हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर से भी कनेक्ट करेंगे। इसके पहले यार 4x2 रॉक क्रॉलर जो है इसमें सिंगल 4x2 होने के कारण गाइज इसे नहीं खींच पा रहा, लेकिन 4x4 से ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यार गाइज देखिए यहाँ पर हमारा 4x4 रॉक क्रॉलर बिल्कुल रेडी है, और यार गाइज ये इसे खींचने ही वाला है, और देखो गाइज ये कितनी खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट मार रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गीला है।
पानी गिर रहा था तो जस्ट वीडियो बनाया है यहाँ पर। और गाइज देखो तो यार बहुत ही अच्छे तरीके से इसने खींच लिया है। अभी गाइज कराएंगे ऑनरोडिंग कैसा चलता है हमारा 4x2 रॉक क्रॉलर। देखो तो यार भाई बहुत ही ज़्यादा मटक मटक के हमारा रॉक क्रॉलर चल रहा है 4x2 होने के कारण। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तरीके से टर्न ले लेता है, इसको टर्न होने में बहुत ही कम एरिया की ज़रूरत पड़ती है। और यार गाइज बात करूँ इसकी स्पीड की तो आराम से 10 से 12 किलोमीटर इसकी स्पीड है पर आवर के रेंज में। आप लोगों को इसकी स्पीड कैसी लगी, आप लोगों को इसका लुक कैसा लगा, आप लोगों को इसके व्हील्स और इसके सस्पेंशन कैसे लगे, इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा सुपर है, मुझे इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा सुपर लगी। आप लोगों को इसकी स्पीड कैसी लगी ज़रूर बताना। देखिए गाइस ये भी मुड़ता है तो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। अभी गाइस बारी हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर की, देखते हैं ये कितना बढ़िया तरीके से चलता है। भाई देखो तो यार हमारा 4x4 रॉक क्रॉलर निकल चुका है एकदम स्पीड में। और गाइज इसकी स्पीड होगी लगभग 12 से 13 किलोमीटर पर आवर। गाइज बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, 4x4 होने के कारण काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, अपने सामने वाली हर चीज़ के ऊपर ये क्लाइम कर जाता है। ड्रिफ्ट के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारा ये रॉक क्रॉलर। आप लोगों को ये रॉक क्रॉलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। देखो यार गाइज ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है, मुझे तो एकदम बेस्ट लगा यहाँ पर ऑन रोडिंग के मामले में। तो हमारा 4x4 रॉक क्रॉलर और 4x2 रॉक क्रॉलर दोनों ही बेस्ट है। आप लोग इनमें से 4x4 रॉक क्रॉलर को कितनी रेटिंग देंगे और 4x2 रॉक क्रॉलर को कितनी रेटिंग देंगे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए गाइज अभी कराते हैं वेट कैरी टेस्ट, कितना रॉक क्रॉलर कितना वेट कैरी कर सकता है। गाइज ये वाला रॉक क्रॉलर 4x2 रॉक क्रॉलर तो धर गया है ज़मीन में एकदम, बिल्कुल इसकी अंदर से पोटेंशियल ख़त्म है। अभी हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर को जब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इतना वेट लेने के बाद पे भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर विनर है हमारा 4x4 रॉक क्रॉलर, आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए गाइज अभी इतने ही वेट को लेकर इनसे खिंचाई करवाते हैं। भाई देखो तो यार 4x4 रॉक क्रॉलर एकदम मेंटेन करके चल रहा है, वेट टेढ़ा होने के कारण मुड़ने के कारण गाइज ईट थोड़ी सी। तो अभी कराने वाले वेट कैरी टेस्ट हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर में, 4x2 रॉक क्रॉलर में इतना दम नहीं है कि भाई इतना वेट खींच सके। अब भी यार गाइस हमारे 4x2 रॉक क्रॉलर के साथ में कनेक्ट कर दिया खतरनाक वाली बग्गी, देखते हैं इसे खींच पाती कि नहीं। भाई यार इसने फुल ताकत लगाई और ये से खींचने में फाइनली सक्सेसफुल हो गई, लेकिन इसके व्हील्स में फंसने के कारण ये टर्निंग पॉइंट इसका कम हुआ जिस कारण से ये इस रेस को हार चुका है। भाई इस चीज में हमारा 4x2 रॉक क्रॉलर थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अभी बारी आती है हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर की थोड़ी देर से, लेकिन यार काफी लंबा रेंज हमारे 4x2 रॉक क्रॉलर ने कवर कर लिया है। देखो तो यार भाई साहब उस कोने से इस कोने तक हमारा 4x2 रॉक क्रॉलर आ चुका है। अभी यार भाई बारी हमारे 4x4 रॉक क्रॉलर के साथ में बग्गी को अटैच करने की, देखते हैं इसका वेट खींच पाता है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है भाई खींच लेगा, आपको क्या लगता है? भाई साहब देखो तो यार बड़े आराम से 4x4 रॉक क्रॉलर होने के कारण व्हील तो एकदम से खींच लिए हैं। भाई आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो के बारे में। वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।